चलिए एक बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी से इस वक्त आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। बड़ी जानकारी, क्योंकि हंगामा लगातार लोकसभा के भीतर देखने को मिल रहा है। ऐसे में जानकारी सामने आ रही है कि इसी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है। बजट पर चर्चा होनी थी, तमाम अन्य मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी है, लेकिन इंडियन बैंक की रिपोर्ट को लेकर लगातार सड़क से लेकर संसद तक हंगामा देखने को मिल रहा है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष लगातार उठाता हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते लगातार लोकसभा में हंगामा देखने को मिल रहा, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है। फिलहाल आपको ये जानकारी सामने आ रही है कि लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि दोबारा से ये कब शुरू होगी। विपक्ष के हंगामे के चलते इसे स्थगित कर दिया गया है। तो फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के चलते ये फैसला लिया गया है। दरअसल आपको बता दें, विपक्ष लगातार कई मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहा है, चाहे फिर वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, इसको लेकर लगातार सड़क से लेकर संसद तक हंगामा जारी है और विपक्ष जो बजट सरकार ने पेश किया है उसको लेकर भी लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इस हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है और विपक्ष के चलते ये जो कार्यवाही है वो स्थगित की गई है। अब देखना ये होगा कि आगे ये कब शुरू होती है, लेकिन जब से लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई है तब से लगातार ये हंगामे की भीड़ चढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में लोकसभा की कार्यवाही में किन्हीं जो बड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं हो पा रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार अपना हंगामा कर रहा है और सरकार अपना जवाब नहीं दे पा रही है इस हंगामे के चलते, ऐसा सरकार का कहना है। तो फिलहाल अब देखना यह होगा कि लोकसभा में जिस तरीके से हंगामा विपक्ष का चल रहा है वो आखिर कब तक जारी रहेगा, क्योंकि इसी तरीके से अगर हंगामा होता रहा तो साफ तौर पर जो बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की उम्मीद थी कि लोकसभा के भीतर इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी वो लगातार बंद होती रहेंगी।